हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सहाय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सैनिटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम होल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ हमने नंबर लाइन को डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने ऑलरेडी देखी होंगी। जैसे मान लो ये जो चौक है ये किस कलर का है, वाइट कलर का, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे ये किस काम आएगा, तो ये लिखने के काम आएगा, तो इससे लिखा जा सकता है ये किसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे ही आप नंबर्स के लिए भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल सकती है, उनमें जो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ की बात होगी वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी हमें सबसे पहले, क्लोजर। अब क्लोजर का मतलब क्या हुआ, तो आपने क्लोज वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड, क्लोज। तो क्लोज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करते हो, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के कितना क्लोज है, क्लोज यानी कितना नियर है, ठीक है, कितना वो दोनों ऑब्जेक्ट पास में है। तो एक प्रकार से कि उस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ के कितना लिंक है, यही चीज़ क्लोजर में कि किसी एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ कितना लिंक है। अब यहाँ पर नंबर का मतलब टाइप ऑफ नंबर्स की बात होगी। जैसे मान लो आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, तो आप कोई भी ऑपरेशन यूज करने के बाद नेचुरल नंबर के बीच में कोई भी आप ऑपरेशन यूज करो, आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद जो आपको रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा, उस नंबर का जो आपको गिवन नंबर थे, यानी कि गिवन नंबर जिस टाइप के नंबर थे उस टाइप से वो कितना लिंक कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको मालूम है कि आप यहाँ पर 2 और 3 को ऐड करें, और मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 और 3 यहाँ पर किस टाइप के नंबर हैं, नेचुरल नंबर। इन नंबर को मैंने ऑलरेडी कैसा डिक्लेयर कर रखा है, नेचुरल, समझना इस चीज़ को। इन नंबर्स को मैंने कैसा डिक्लेयर कर रखा है, नेचुरल, ठीक, कैसा डिक्लेयर कर रखा है, नेचुरल। तो 2 और 3 को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5। 2 और 3 को ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, 5। तो अब आपको ये देखना है कि जो 5 है आपका वो नेचुरल है या नहीं है, 5 है वो आपका नेचुरल है या नहीं है। तो हमें मालूम है 5 नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 1 से ऊपर जो भी नंबर आएंगे सब नेचुरल होंगे, इसका मतलब 5 भी नेचुरल होगा। अब हमने नंबर किस टाइप के लिए थे, नेचुरल, और हमें जो आउटपुट मिला, जो रिजल्ट मिला वो कैसा मिला, नेचुरल। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी वाली होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। किस केस में, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के एडिशन के केस में, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देखो कि मैं 2 माइनस 2 करता यहाँ पर, 2 माइनस 2, ठीक है। पहले तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 माइनस 1 कर देता हूँ पहले, 2 माइनस 2 वाला एग्जांपल बाद में लूँगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 जब लूँगा मैं, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1। ये नंबर कैसा है, नेचुरल, ये नंबर कैसा है, नेचुरल, और ये नंबर भी कैसा है, नेचुरल, तीनों नंबर नेचुरल है, क्लियर हुआ। अब आप यहाँ से आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा यहाँ पर भी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने केवल अपनी तरफ से एक केस लिया है जहाँ पे हमें नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर मिल रहा है, लेकिन हर बार ऐसा थोड़े पॉसिबल है। जैसे मान लो आप 2 माइनस 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कैसा होगा, कितना होगा, 0। अब आपका 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, है क्या नेचुरल नंबर, नहीं है, 0 आपका नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये क्या होगा, नॉट क्लोजर। यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो,
कैसा भी नंबर ले लो, 2 and 4 ले लो, 2 and 6 ले लो, 1 and 5 ले लो, सभी को ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आपके माइंड में जो भी मतलब माइंड में जो भी नंबर आपके यहाँ क्रिएट होता है आप उसको यहाँ पर रख कर देखो, तो आप जैसे कुछ भी 5 और 7 देखोगे तो कितना होगा 12, ये भी क्या एक नेचुरल नंबर। लेकिन आप 6 माइनस 6 करोगे तो ये कितना होगा 0, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। अभी जैसे 6 माइनस 7 की बात आ जाए तो ये कितना होगा -1, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इंटीजर्स पढ़ेंगे कि -1 कैसे आया। लेकिन ये 6 माइनस 7 कितना होता है -1, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये भी नेचुरल नंबर नहीं है -1, ये क्या है एक इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत सी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एडिशन में तो हर केस के लिए ये नेचुरल नंबर है, एडिशन में तो हर केस के लिए जो आपका गिवन नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं कर रही, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन के लिए देखोगे, किसके लिए देखोगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन में आप सीधा सा ये ऑब्जर्व करो मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ भी नंबर लो, कुछ भी नेचुरल नंबर 2 and 3 ले लो, 5 and 2 ले लो, कितना होगा 2 and 3 6, 5 and 2 10, 2 into 3 6 एंड 5 into 2 10 नेचुरल नंबर है। आपके मन में कोई ऐसा एग्जांपल क्रिएट हो रहा है जहाँ पे ये 0 या less than 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए भी तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। अभी मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, अभी ऑल नंबर पर नहीं आया हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर की, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप मल्टीप्लिकेशन में चलो, किस में चलो, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की तो कर ली, अब हम किसकी बात करें, डिवीजन की, किसकी बात करें, डिवीजन की। तो डिवीजन में देखो 5 divided by 2 कितना होगा, 5/2 होगा, या फिर ये 2 times 1 remaining and 2 कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे इस चीज़ को भी, लेकिन अभी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 5/2, ठीक है। तो 5/2 एक फुल नंबर नहीं है, आप इसको जब डिवाइड करोगे तब भी आपको पॉइंट्स में नंबर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है, गिवन नंबर है वो कैसा नहीं है, ये जो नंबर है 5/2 ये कैसा नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो नेचुरल नंबर है आपका, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। सिमिलरली आप होल नंबर के लिए भी यही प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हो। तो होल नंबर में क्या होता है, बस 0 और आ जाता है, होल नंबर में क्या होता है 0 और आ जाता है। तो वहाँ पर देखो जब मैं होल नंबर में एडिशन की बात करूँ, तो मैं कौन कौन से नंबर ले सकता हूँ, जैसे 5+2 ले सकता हूँ, दोनों होल नंबर है, और जो रिजल्ट आ रहा है 7 वो भी कैसा है, होल नंबर। मैं 2+0 क्योंकि 0 भी क्या है, होल नंबर, 2+0 इसको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा 2, ये भी होल नंबर है। तो यहाँ पर जो एडिशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। फिर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, फाइव माइनस टू कितना होगा 3, तीनों नंबर कैसे हैं, होल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ पर 5 माइनस 5 होता तो क्या मिलता, 0। लेकिन 0 भी क्या है, होल नंबर है, 5 और 5 तो होल नंबर है, 0 भी क्या है, होल नंबर। तो इससे भी हम बोल सकते थे कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल लिया था 6 माइनस 7 क्या होगा, -1। तो ये आपका होल नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर
क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, फिर बात करें मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 2 × 3 = 6, तो ये ओल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अब आप बोलोगे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 कितना होगा, 0, तो 0 क्या है, ऑलरेडी होल नंबर, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। और डिवीजन में कोई भी आप एग्जांपल लोगे, जैसे मान लो आप 6 / 3, तो 6 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2, इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि 6 क्या है, होल नंबर, 3 होल नंबर, 2 होल नंबर। लेकिन मैं यहाँ पर अगर 6/5 कर देता तो क्या मिलता मेरे को, 6/5, ऐसा करने पर मुझे कोई भी एक कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर एक भी केस आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उस ऑपरेशन के लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि हम एडिशन के लिए बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, मल्टीप्लीकेशन के लिए बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, बट हम सबट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए हम नहीं बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इन दोनों के लिए हम नहीं बोल सकते कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों के लिए हम बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करें, आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो यहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि जो होल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख भी सकते हो आप, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के केस में क्या होंगे, जो भी आपके ऑल नंबर होंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखेंगे। ठीक है, यानी वो क्लोज्ड होंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो उसका क्या नाम है, आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो, बाकी इसको लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर मैं बात करूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें बात करें तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, क्या नंबर है, 1, और एक नंबर है आपके पास 2। यानी मैं ये बोलूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पर 1 चौक है और जो इस वाले हाथ में मेरे पास 2 चौक है। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि मेरे पास टोटल कितने चौक हैं, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मेरे पास 3 चौक है। ठीक है, अब देखो कि जब मेरे आप उधर से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि इस हाथ में 1 चौक और इस हाथ में 2 है, तो आपने पहले 1 को, आपके माइंड में 1 आया होगा और उसके बाद 2, तो आपने 1 और 2 को ऐड किया होगा, तो टोटल आपके पास 3 हो गए होंगे। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ इसी चीज़ को, तो मेरे को इधर 2 चौक दिख रहे हैं साथ में इसमें 1, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 को ऐड करूँगा फिर 1 को, तो 2 + 1 करूँगा, आप क्या कर रहे हो, 1 + 2।
मेरे हिसाब से भी तीन ही चौक है, आपके हिसाब से भी ये तीन ही चौक है। तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ा गया, जो फाइनल रिजल्ट आया उस पर कोई इफेक्ट पड़ा गया? नहीं पड़ा। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर ऐसा होता है कि मैं जो उनके एक प्रकार से सीक्वेंस है उसको मैं अगर चेंज करता हूँ तो जो रिजल्ट होगा उस पर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होंगे, और अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो कैसे होंगे? कम्यूटेटिव होंगे। जैसे मान लो आपके पास 10 प्लस 11 हो, ठीक है, तो आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 21। लेकिन आप इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हो, आप इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हो, आप 11 प्लस 10 करते हो, तब भी आपके पास क्या आएगा? 21। इसका मतलब जो एडिशन होगा उस केस में जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी। कोई भी नंबर सोचो आप अपने माइंड में और फिर उसको ऐड करो, आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। कब? जब आप होल नंबर ले रहे हो, ठीक है। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? होल, और रिजल्ट में होल नंबर हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पर जो आप नंबर ले रहे हो कैसे हो? होल, ठीक है। वैसे तो आप आगे जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी नंबर के लिए जो एडिशन है उस वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो शो करता ही करता है, ठीक है। सबट्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें? सबट्रैक्शन की। तो जैसे अभी बात कर रहे थे हम 6 माइनस 7 कितना आ रहा था? -1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनका सीक्वेंस चेंज करता हूँ, 7 माइनस क्या कर देता हूँ? 6। तो 7 माइनस 6 क्या आएगा? 1। 6 माइनस 7 कितना आया था? -1, लेकिन 7 माइनस 6 कितना आ रहा है? 1। तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका सबट्रैक्शन होगा उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये जो होल नंबर है उनके सबट्रैक्शन से होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम जो फाइनल रिजल्ट है उसकी बात कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट अगर इक्वल आ रहा है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। कब? जब हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 × 3 मैं करूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ, 2 × 3 करूँ तो क्या होगा? 6। लेकिन मैं जब इनका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, आपको जो बीच में ऑपरेटिंग जो साइन है प्लस या माइनस या क्रॉस, इनको आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जो साइन है उनको आपको चेंज नहीं करना, वो साइन हमेशा सेम रहेंगे। जो नंबर्स हैं उसके अराउंड उनको आपको चेंज करना है। तो जब भी आप इंटरचेंज करोगे यहाँ पर 3 × 2 तो ये क्या मिलेगा आपको? 6। इसी तरीके से आप और भी कोई भी नंबर आपके माइंड में आए आप उसको लेकर देखोगे तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसको इस तरीके से लिख दो, मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा? इसमें आपके जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो शो होगी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट होगी। अब आप डिवीज़न के लिए बात करो, किसके लिए? डिवीज़न के लिए आप 6 को डिवाइड करो 2 से, कितना होगा? 3। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 6 / 2, दैट मीन्स 6 / 2 इज इक्वल्स टू 3। इंटरचेंज करो, 2 / 6 क्या होगा? 2/6। अब वो नंबर नहीं आएगा 3। इसका मतलब डिवीज़न के लिए
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होगी, डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होगी। किस किस के लिए होगी? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपकी वो भी इन दोनों के लिए एग्जिस्ट हो रही थी, और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी इन दोनों के लिए एग्जिस्ट है। बाकी मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए न क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट थी और न कौन सी होगी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो आप जब इंटीजर्स में पहुंचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे वहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, कई जगह कुछ चीज़ें चेंज भी होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें, बाकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो लगभग सिमिलर सी रहेंगी, ठीक है। तो अभी तो आपको क्या करना, वीडियो पॉज करना और इसको एक बार नोट कर लो, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या बोला था कि जो आपके होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि जो होल आपने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिखा कि होल नंबर्स आर क्लोज, तो यहाँ पर होल नंबर आर कम्यूटेटिव, क्लोज की जगह क्या करना है, कम्यूटेटिव वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो लिख भी सकते हो आप चाहे, यहाँ पर लिख भी सकते हो All numbers are commutative under addition and also under multiplication. ठीक है, या फिर आप इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कि होल नंबर्स आर मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, या होल नंबर्स आर ऐड इन एनी ऑर्डर, या यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, ठीक है। होल नंबर्स आर ऐड इन एनी ऑर्डर, या फिर होल नंबर्स आर मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो आप जैसे भी लिखना चाहो इसको लिख सकते हो, बाकी इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है और कहाँ पर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको इनको यूज़ करना है, आपको इन प्रॉपर्टीज़ को जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको यूज़ करना है। अब आती है जो थर्ड प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है कि एक दूसरे के साथ एसोसिएट करना। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक दरवाजे से मान लो एक ही आदमी बाहर निकल सकता है, आप अपने दोस्त के साथ, तो आप दोनों तो एक साथ निकल नहीं सकते। तो आप क्या करोगे कि या तो आपको पहले निकलना होगा या आपके दोस्त को पहले निकलना होगा। निकलोगे तो दोनों ही बाहर, लेकिन उस केस में हो क्या रहा है कि आप में से एसोसिएट कौन कर रहा है, कि कौन पहले निकल रहा है कौन बाद में निकल रहा है। दोनों आप एक ही टाइम पर नहीं निकल सकते। तो वैसा ही नंबर्स के साथ होता है, कैसे, जैसे मान लो मुझे 2, 3 और 5, यहाँ पर देखो ऑपरेशनल साइन 2 है, दोनों साइन सेम है लेकिन 2 साइन है जो ऑपरेशनल है, यानी कि यहाँ पर दो बार आपको नंबर्स को ऑपरेट करना होगा, ठीक है। अब आप नंबर्स को ऑपरेट किस तरीके से कर सकते हो कि या तो आप क्या करो 2 और 3 को ऐड करो पहले, ठीक है,
टू और थ्री को जब आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। अब आपके पास फाइव आ गया, अब आप इस फाइव को इस नंबर के साथ ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐड का साइन है। तो फाइव और फाइव कितना होगा, टेन। तो आपको इन तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद कितना मिल रहा है, टेन मिल रहा है। यानी आपने पहले इसको ऑपरेट किया और फिर यहाँ से जो रिजल्ट आया उसके साथ इसको ऑपरेट किया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं इन दो इस वाले साइन को पहले ऑपरेट करता और फिर बाद में इसको करता। तो यहाँ पर देखो टू प्लस थ्री प्लस फाइव, इस केस में मैं अगर इसको पहले ऑपरेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बनता, थ्री एंड फाइव कितना होता, एट। और फिर यहाँ से देखो कि मैं अब इन दोनों को ऑपरेट कर रहा हूँ, एट और टू को, टू एंड एट कितना होगा, टेन। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम किस किस सिचुएशन के लिए कर सकते हैं, किस किस ऑपरेशन के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आए वो सेम आए, क्योंकि हर बार ज़रूरी थोड़ी है कि वो सेम आए। तो आपको एडिशन के केस में नज़र आ रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एडिशन के लिए आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एडिशन के लिए आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट कर रही है। अब आप सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, सिमिलर चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए देखो। उन्हें नंबर्स को लेता हूँ एक बार, फाइव माइनस थ्री माइनस टू, ठीक है। दो बार लिख लेता हूँ इसको, फाइव माइनस थ्री माइनस टू। एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मैं इसको ले रहा हूँ, ऑपरेशनल साइन जो है ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ पहले, और इसमें मैं इसको पहले ऑपरेट करूँगा, समझना। तो यहाँ पर देखो 5 माइनस थ्री कितना होता है, 5 माइनस थ्री कितना होता है, 2। और जब आप इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे तो 2 माइनस टू कितना होता है, 0, ठीक है। इस इधर आ जाओ, इसको ऐसे कैसे रहने दो, अभी पहले आप इसको ऑपरेट करो, 3 माइनस टू कितना आएगा, 1। अब आप इसको इसके साथ ऑपरेट करो, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4। ये देखो 0 और 4 इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। क्या किया हमने, पहले इसको ऑपरेट किया 5 माइनस 3, और फिर यहाँ तो जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ इसको ऑपरेट किया, 2 माइनस 2 0, यहाँ पर 3 माइनस 2 1, फिर 5 माइनस 1 4। तो दोनों केस में जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए आपकी जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मल्टीप्लीकेशन में चलते हैं, किस में चले, मल्टीप्लीकेशन में। तो जब मल्टीप्लीकेशन में बात करें तो वही नंबर लेंगे हम, 5, 3 एंड 2, 5, 3 एंड 2। देखो पहले मैं यहाँ इसको ऑपरेट करता हूँ और यहाँ पर इसको पहले ऑपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड होकर कितना होगा, 5 3 जा 15, एंड जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 टू जा 30। याद देखो 3 टू जा 6, और 6 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30। ये देखो दोनों ही केस में जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए
आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। अब देखो डिवीजन के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मैं ले लेता हूँ 24 डिवाइडेड बाई 6 या 4 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलर एग्जांपल 24 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मैं पहले इसको ऑपरेट करता हूँ और यहाँ पर इसको ऑपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, 24 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे, किसको, 24 को 4 से, तो 4 6 जा 24, तो यहाँ से क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना टाइम होगा 3 टाइम, क्योंकि ऐसा होगा ना 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया हमारे पास 3 आंसर आ गया। यहाँ पर देखो 4 और 2, पहले हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा यहाँ से आंसर 2, और फिर यहाँ से देखें तो कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया आंसर यहाँ से 12। तो इन दोनों आंसर को देखो, सिमिलर आंसर हैं क्या, इक्वल आंसर है, नहीं है। इसका मतलब डिवीजन वाले केस के लिए, डिवीजन वाले केस के लिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। डिवीजन वाले केस के लिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप लिख भी सकते हो होल नंबर्स आर एसोसिएट होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की, क्लोजर, उसके बाद कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की और आइडेंटिटीज़ की। ठीक है, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।